ओके फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे हैं टिश्यूज़, ठीक है, और प्लांट टिश्यूज़ जो है हम पढ़ रहे थे, ठीक है, प्लांट टिश्यू हम पढ़ रहे हैं। प्लांट टिश्यू में हमने देखा कि किस प्रकार सिंपल टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, सिंपल टिश्यूज़ के डिफरेंट टाइप्स हमने देखे, ठीक है। उसके साथ ही जो है हमने ये समझा कि सिंपल टिश्यू होते क्या है और कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होते हैं, ठीक है, तो उनके टाइप्स देखे थे हमने, मेरिस्टमेटिक टिश्यू देखा, उसके बाद परमानेंट टिश्यू देखा, ठीक है, और उसमें भी हमने डिविजन देखे, ठीक है, परमानेंट टिश्यू में हमने डिफरेंट डिविजन देखे, ठीक है, क्लोरेनकाइमा देखे हमने, स्क्लेरेनकाइमा देखा, ठीक है, तो इस प्रकार डिफरेंट जो है हमने टाइप्स देखे मेरिस्मेटिक टिश्यू के, परमानेंट टिश्यू के, ठीक। अब जो हम देखने वाले हैं वह देखने वाले हैं परमानेंट टिश्यू या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू या कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है, हमने पता था कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू वो होते हैं जो कि डिफरेंट सेल्स से, सेल्स विच आर डिफरेंट इन ओरिजिन, सेल्स विच आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर और फॉर्म, एंड दे डू द अस्पेसिफिक फंक्शन, आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो ऐसे टिश्यू जो कि डिफरेंट टाइप की सेल्स से फॉर्म हो, लेकिन फिर भी ये टिश्यू जो है एक पर्टिकुलर फंक्शन को ही जो है परफॉर्म करें, तो वो कहलाएंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इन कॉम्प्लेक्स टिश्यू में, इन प्लांट के कॉम्प्लेक्स टिश्यू में दो प्रकार के टिश्यू आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू जो होता है वह और ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं, दे आर वेस्क्यूलर बंडल ऑफ प्लांट, ठीक है, वेस्क्यूलर बंडल्स होते हैं और ट्रांसपोर्टिव या कंडक्टिव होते हैं फंक्शन में, ट्रांसपोर्टिव और कंडक्टिव। क्यों? क्योंकि ये कंडक्शन का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, ठीक है, जो प्लांट है उसे भी वाटर, न्यूट्रिशन और फूड की जरूरत है। तो पानी और न्यूट्रिशन जो है प्लांट कहाँ से लेता है? प्लांट रूट्स से लेता है, ठीक है, सॉइल में जो है। इस प्रकार से एक चित्र बना के देखें तो इस प्रकार यह जो प्लांट है, इसकी यह रूट्स है। तो पानी जो है मिनरल्स, न्यूट्रिशंस कहां से लिया जा रहा है? सॉइल से, ठीक है। वही जो हमें पता है कि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, और इसीलिए उन्हें ऑटोट्रॉफ कहा जाता है, ठीक है। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन। तो दे आर मेकिंग देयर न्यूट्रिशन देयर ओन, ठीक है, ऑन देयर ओन, सो दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ। कैसे बनाते हैं हम? तो जो इनकी लीव्स होती हैं और जहां पे भी ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट में, उसकी मदद से जो प्लांट है फोटोसिंथेसिस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट जो है वो फॉर्म करते हैं, और यह जो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है, प्रोड्यूस होता है, उस कार्बोहाइड्रेट का उपयोग प्लांट के बाकी सभी हिस्सों में जो है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है, ठीक है। समझ रहे बात? यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज फॉर्म हुआ और ग्लूकोज का काम प्लांट के सभी पार्ट को है, जबकि पानी जो है रूट्स से जा रहा है प्लांट के सभी हिस्सों में। अब यह जो ट्रांसपोर्टेशन है वह किसकी मदद से हो रहा है? वह होता है जाइलम और फ्लोएम की मदद से, और इसीलिए इन टिश्यूज को ट्रांसपोर्टिव या कंडक्टिव टिश्यू ऑफ प्लांट भी कहा जाता है। इन्हें कॉम्प्लेक्स कहा जाता है क्योंकि यह जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर से बने हुए होते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें जाइलम की, तो जाइलम टिश्यूज जो होते हैं प्लांट में, इनका मेन फंक्शन होता है टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। दैट मीन्स इनका जो कंडक्शन है वो कहां हो रहा है? फ्रॉम बिलो टू अपवर्ड।
ऑल्सो लेटरली, ठीक है, क्यों, क्योंकि लेटरली भी ब्रांचेस हैं, यहां से जो ब्रांचेस निकलेंगी वो लेटरली हैं, तो उनमें भी इन्हें सप्लाई करना है वाटर की। तो जाइलम टिश्यू जो रहते हैं उनका मेन फंक्शन होता है कि वाटर और मिनरल को सॉइल से रूट्स की जो है रूट से होते हुए प्लांट के सभी हिस्सों में पहुंचाना अपवर्डली एंड लेटरली, यह काम होता है जाइलम का। जाइलम जो होता है वह फॉर्म होता है फोर टाइप की सेल्स से, एक होती है ट्रैकीज, ठीक है, एक होती है ट्रैकी और वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और एक होता है जाइलम फाइबर, ठीक है। ट्रैकीज जो होती हैं, ट्रैकीज और वेसल्स, यह जो है लिग्निफिकेशन के द्वारा फॉर्म हुई होती हैं, ठीक है, फॉर्म बाय लिग्निफिकेशन, ठीक है। लिग्निफिकेशन क्या होता है, जो लिग्निन है वह डिपॉजिट होता है इन सेल्स की वॉल में और उसे कहते हैं लिग्निफिकेशन। यह जो लिग्निफिकेशन है यह फोर पैटर्न्स में होता है, ठीक है, किन किन पैटर्न में, एन्यूलर पैटर्न में, दैट मींस रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है लिग्निफिकेशन का, ठीक है, कैसा, इसे कहेंगे एन्यूलर टाइप, ठीक है। दूसरा टाइप होता है स्पाइरल टाइप, ठीक है, जिसमें एक स्प्रिंग नुमा होता है, ठीक है, इसको कहते हैं स्पाइरल टाइप, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। एक होता है स्क्लेरिफॉर्म, ठीक है, स्क्लेरिफॉर्म क्या होता है, इस प्रकार से लिग्निफिकेशन होता है कि वह अपीयरेंस में हमें एक लैडर टाइप लगता है, तो लैडर टाइप जो होता है उसे स्क्लेरिफॉर्म कहते हैं, स्क्लेरिफॉर्म, ठीक है। किस प्रकार होगा, इसका डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, इसको लेडर लाइक जो लुक दिखेगा उसे हम कहेंगे स्क्लेरिफॉर्म, ठीक है। तो थर्ड वन, फोर्थ वन है द डी रेटिकुलर टाइप, रेटिकुलेटिंग टाइप, ठीक है, जिसमें क्या होगा कि जो एक नेटवर्क लाइक दिखेगा उसे कहेंगे रेटिकुलर टाइप, ठीक है, एक जाल जैसा दिखेगा तो उसे कहेंगे रेटिकुलर टाइप लिग्निफिकेशन, ठीक है। एक होगा पिटेड, ऐसा लगेगा पिट्स टाइप है तो उसे कहेंगे पिटेड, ठीक है। तो जो ट्रैकेट्स और वेजल्स होती हैं, ठीक है, ट्रैकेट्स एंड ट्रैकीज जो होती हैं, ठीक है, उनका इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, उनकी वॉल्स में लिग्निफिकेशन रहता है और यह लिग्निफिकेशन जो है इस फाइव टाइप्स के पैटर्न्स में हो सकता है, ठीक है, एन्यूलर, स्पाइरल, स्क्लेरिफॉर्म, रेटिकुलर एंड पिटेड, ठीक है। तो इस प्रकार से जाइलम की जो ट्रैकेट्स और वेसल्स होती हैं उनमें हमें लिग्निफिकेशन देखने को मिलता है। यह डेड सेल होती हैं, दे आर डेड सेल्स, ठीक है, और ये स्क्लेरेन्काइमा से बनी हुई होती हैं,
ठीक है, स्क्लेरेन स्क्लेरेनकाइमा हमने किस में देखी थी, हमने जब देखा था सिंपल टिश्यूज जो मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू देखे थे, तो उसमें परमानेंट टिश्यू में हमने स्क्लेरेनकाइमा देखा था जिसमें क्या होता है, लिग्निफिकेशन होता है, लिग्निन होता है उनकी वॉल्स में, तो उन्हीं सेल्स से यह जाइलम टिश्यू बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है जाइलम पेरेनकाइमा। जाइलम पेरेनकाइमा जो होती है दे आर द लिविंग सेल्स और इनका काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड का। ठीक है, जबकि जो ट्रैकेट्स और वेसल्स होती हैं यह मेन इनका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। किसका ट्रांसपोर्टेशन, वाटर और मिनरल का। कहां पर, लॉन्गिट्यूडिनली नीचे से ऊपर की तरफ, जो लॉन्गिट्यूडिनल में कंडक्शन होता है वह किया जाता है ट्रैकेट्स और वेसल्स के द्वारा। वहीं जो जाइलम पेरेनकाइमा होती हैं वो लिविंग सेल होती हैं, स्टोरेज करती हैं फूड का, साथ ही लेटरल कंडक्शन करती हैं, लेटरल ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रैकेट्स और वेसल्स जो है वह प्लांट को एक मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, क्योंकि हमें पता है क्या है, हार्ड टिश्यू है, क्योंकि लिग्निफिकेशन है, दैट मीन्स दे आर हार्ड टिश्यू, हार्ड होगा तो वह मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा प्लांट को। ठीक, वही जाइलम पेरेनकाइमा जो है लेटरल ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, फूड स्टोरेज का काम करती हैं। जाइलम फाइबर्स क्या करते हैं, जाइलम फाइबर्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो डेड टिश्यू, ठीक है, और ये भी दे आर फॉर्म ऑफ स्क्लेरेनकाइमा सेल्स, क्योंकि हमने देखा था स्क्लेरेनकाइमा में जो है फाइबर्स भी थे, तो ये जो जाइलम फाइबर है ये स्क्लेरेनकाइमा से फॉर्म होते हैं और यह भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो जाइलम टिश्यू है यह इनका मेन फंक्शन है वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रैकेट्स, ट्रैकी, जाइलम पेरेनकाइमा और जाइलम फाइबर से मिलके बनते हैं। जाइलम पेरेनकाइमा जो है वह लिविंग सेल होती हैं, स्टोरेज का काम करती हैं फूड का और लेटरल ट्रांसपोर्टेशन भी करती हैं, जबकि ट्रैकेट्स और वेसल्स जो हैं वे लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। ठीक है, लिग्निफाइड होती हैं और डिफरेंट पैटर्न होते हैं लिग्निफिकेशन के। वहीं फाइबर्स जो हैं डेड टिश्यू होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा से बनते हैं और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा जाइलम टिश्यू किस प्रकार का होता है, अब हम देखेंगे फ्लोएम टिश्यू किस प्रकार का होता है और उसका किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। अब हम देखते हैं जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, जाइलम हमने देख लिया, अब हम देखेंगे फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, तो जाइलम में हमने क्या देखा कि जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है, मिनरल ट्रांसपोर्टेशन है, जिसके कि सॉइल से लेके और बाकी पार्ट्स में जाना है, वह काम है हमारे जाइलम टिश्यू का। लेकिन जैसा कि हमने देखा था कि प्लांट का जो फूड, प्लांट जो अपना फूड खुद बनाता है वो एक पर्टिकुलर पार्ट्स में ही बनता है जहाँ पे कि क्लोरोफिल होगा, लेकिन फूड की जरूरत तो सारे पार्ट्स को होगी। ठीक है, प्लांट के सारे पार्ट्स को फूड की जरूरत होगी, तो अब जहां पर फूड प्रोड्यूस किया जा रहा है वहां से फूड को लेके उन स्थान पर जाना है जहां पे कि फूड की जरूरत है, और यह काम करता है फ्लोएम। ठीक है, तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, इसलिए यह जो कंडक्शन है यह अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, लेटरल भी हो सकता है। ठीक है, सो दिस कंडक्शन कैन बी लेटरली, अपवर्डली एंड डाउनवर्डली। जबकि जाइलम में हम क्या देख रहे थे, सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड कंडक्शन होता है और लैटरल कंडक्शन होता है, लेकिन फ्लोएम का कंडक्शन सारी दिशाओं में हो सकता है। ठीक है, फ्लोएम टिश्यूज जो हैं वे भी फोर टाइप्स की टिश्यूज सेल्स से फॉर्म होते हैं, और वह जो है वह है सीव ट्यूब सेल, कंपेनियन सेल,
ठीक है, देन फ्लोएम पेरेन्काइमा, एंड फ्लोएम फाइबर्स, एक डायग्राम यदि बना के देखा जाए तो ठीक है, तो इस प्रकार से एक फ्लोएम टिश्यू का जो है स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि यह है फ्लोएम पेरेन्काइमा, यह जो है ऑरेंज कलर से मैंने बनाई है, दीज आर बोथ सीव ट्यूब सेल, ठीक है, और यह मिडल में है, यह बनाई है मैंने कंपेनियन सेल। सबसे पहले यदि सीव ट्यूब सेल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। सीव ट्यूब सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि यह जो सेल्स होती हैं, सीव ट्यूब सेल डेड सेल से फॉर्म होती है, दे आर फॉर्मड ऑफ डेड सेल्स, ठीक है, एंड टू एंड कनेक्टेड रहती हैं। यह सेल एंड टू एंड कनेक्ट रहती हैं एंड हैव पोर्स इन कनेक्टिंग एंड्स, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं कि यह एक सिंगल सेल है, यह एंड टू एंड कनेक्ट है, आप देख सकते हैं एंड टू एंड कनेक्ट है, और ये जो एंड होते हैं जहां पे ये कनेक्ट होती हैं, वहां पर ये पोर्स होते हैं इनकी वॉल में, और वहां पे ये फॉर्म करती हैं सीव प्लेट, ठीक है, सीव प्लेट, सीव मतलब होता है छन्नी, ठीक है, जो छलनी होती है उसे हम सीव कहते हैं। तो यहां पे भी पोर्स होने की वजह से एक सीव का यह काम करती है, और यह एक सीव प्लेट बनाती है, और जिससे कंडक्शन हो पाता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर, देन अनदर सेल टू अनदर सेल, ठीक है। तो सीव ट्यूब सेल डेड सेल से फॉर्म होती हैं, एंड डेड सेल्स होती हैं, कनेक्टेड होती हैं एंड टू एंड, और जो एंड्स होते हैं वहां पे पोर्स होते हैं, और यह एक सीव प्लेट फॉर्म करते हैं, ठीक है। इनका जो काम होता है वह कंडक्शन का काम होता है, they conduct food, ठीक है, और सीव ट्यूब सेल्स जो है यह है यहां पर, ठीक है। उसके बाद कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल जो यह है मिडिल में वह होती है, तो दे आर फॉर्म्ड ऑफ लिविंग पेरेन्काइमल सेल से बनी हुई होती है, ठीक है, लिविंग पेरेन्काइमल सेल से बनी हुई होती है ये, और इनका काम जो होता है, दे सपोर्ट्स द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब सेल। जो सीव ट्यूब सेल्स होती हैं, वो तो डेड होती हैं, तो उनके जो फंक्शंस हैं उनको सपोर्ट करने के लिए कंपेनियन सेल्स जो है वो इनकी हेल्प करती हैं। तो दे आर लॉन्ग एंड नैरो सेल्स, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो फ्लोएम पेरेन्काइमा यह सेल है, लूजली अरेंज्ड लिविंग पेरेन्काइमा सेल्स होती है,
लिविंग पेरेंट काइमल सेल से ये फॉर्म होती है एंड दे ऑल्सो ट्रांसपोर्ट सम फूड्स, दे ऑल्सो परफॉर्म ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, टू नियर बाय प्लेस. ठीक है, तो जो पास के प्लेसेस होंगे वहां पर ट्रांसपोर्टेशन का काम यह पेरेंकाइमल सेल्स, फ्लोएम पेरेंकाइमल सेल्स करती हैं. ठीक है, फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं डेड सेल से फॉर्म होते हैं और इनका सिर्फ काम होता है टू मैकेनिकल सपोर्ट, टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट. ठीक है, तो इस प्रकार से फ्लोएम टिश्यूज जो है वह किस सेल से फॉर्म होते हैं, सीव ट्यूब सेल्स से जो कि ट्यूब लाइक होती हैं, एंड टू एंड कनेक्ट होती हैं, डेड होती हैं, सीव प्लेट फॉर्म करती हैं और मेजर फंक्शन यह करती हैं कंडक्ट का, फूड कंडक्शन का काम जो है मेजर फंक्शन सीव ट्यूब सेल करती हैं. कंपेनियन सेल लिविंग पेरेंकाइमल सेल होती हैं जो कि सीव ट्यूब सेल्स को सपोर्ट करती हैं फंक्शनिंग में. फ्लोएम पेरेंकाइमा जो है पेरेंकाइमल सेल्स होती हैं लिविंग और यह जो है नियर बाय प्लेसेस में ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं फूड का. फ्लोएम फाइबर्स डेड सेल्स से फॉर्म होते हैं, डेड सेल्स होती हैं और ये जो है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को. ठीक, तो इस प्रकार हमने देखा डिफरेंट टिश्यूज ऑफ प्लांट. नाउ वी विल सी अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ प्लांट स्टेम और उसमें हम देखेंगे किस प्रकार से ये टिश्यूज अरेंज होते हैं एक प्लांट में. ओके फ्रेंड्स, तो हमने देखा कि कौन कौन से टिश्यूज जो है प्लांट के हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू हमने देखे. ठीक है, नाउ वी विल सी अ ट्रांसवर्स सेक्शन. ठीक है, एक डाइकॉट स्टेम का हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे कि किस प्रकार उसमें ये टिश्यूज अरेंज होते हैं. ठीक है, तो एक ऑब्जर्वेशन है, यदि आप करना चाहें घर पे तो आप कर सकते हैं कि एक डाइकॉट स्टेम लीजिए, उसका जो है स्लाइस कीजिए, जो रेजर है ब्लेड से उसको बहुत थिन स्लाइड कट करें, उसको स्टेन करें सेफ्रॉन स्टेन से. ठीक है, और देन उसको जो है एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आप देखें. ठीक है, तो इट विल बी अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस. ठीक है, क्योंकि यह सिर्फ हमें हाइपोथेटिकल लगता है, इमेजिन करना पड़ता है. ठीक है, तो यदि आप उसको लाइव देखेंगे तो इट विल बी मोर क्लियर फॉर यू कि किस प्रकार टिश्यूज जो है वह रहते हैं रियल में. ठीक है, तो नाउ वी विल सी अ ट्रांसवर्स सेक्शन टीएस ऑफ अ डाइकॉट स्टेम, उसमें किस प्रकार से अरेंज होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले जब आप देखेंगे ठीक है, तो एक स्टेम जो है डाइकॉट स्टेम उसको कट किया, इसे ट्रांसवर्स सेक्शन कहा. ठीक है, इस प्रकार से. ठीक है, और उसका एक पर्टिकुलर हिस्सा जो है वह मैं यहां पर आपको ड्रॉ करके बता रही हूं. ठीक है, तो इस प्रकार से दिखेगा हमें. सबसे पहले जो सबसे बाहर की लेयर होती है एपिडर्मिस कहलाती है. एपिडर्मिस में हमें पता है मल्टीपल लेयर होती है एपिडर्मिस की, और उस पर एक फैटी लेयर होती है. ठीक है, जिसे कि क्यूटिकल कहते हैं. साथ ही इस पे हेयर्स होते हैं. ठीक है, जो आउटर लेयर्स होती हैं उन पे हेयर्स होते हैं. ठीक है, तो यह जो है यह क्यूटिकल लेयर है जो कि एपिडर्मिस पे है. एपिडर्मिस सबसे पहले जो आउटर लेयर होगी वह होती है एपिडर्मिस की. यह एपिडर्मिस किससे फॉर्म होती है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड पेरेंकाइमल सेल से. ठीक है, उसके बाद आती है हाइपोडर्मिस. हाइपोडर्मिस जो है सेकेंड लेयर होती है, और यह हाइपोडर्मिस फॉर्म होती है
हमें पता है किससे फॉर्म होती है, जब हमने डिफरेंट टिश्यू पढ़े थे तो हमने देखा था कि कॉलन कायमा सेल से यह हाइपोडर्मिस फॉर्म होती है, कोलन कायमल सेल से। ठीक है, तीन टिश्यू हमने पढ़े थे, परमानेंट टिश्यू में, सिंपल परमानेंट में पैरेनकाइमल, कॉलेनकाइमल एंड स्क्लेरेनकाइमल। कॉलेनकाइमल सेल्स में किसकी लाइनिंग होती है, पैक्टिन, सेल वॉल में पैक्टिन होता है, ठीक है, और इसलिए यह टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यह जो सेकेंड लेयर है यह होती है हाइपोडर्मिस की। हाइपोडर्मिस के बाद एक लेयर आती है लूजली अरेंज्ड पेरेन्काइमल सेल्स की। ठीक है, यह लूजली अरेंज्ड पेरेन्काइमल सेल्स जो है कॉर्टेक्स फॉर्म करता है, कॉर्टेक्स ऑफ स्टेम। ठीक है, तो यह जो थर्ड हमें लेयर दिखेगी वह कहलाएगी कॉर्टेक्स, जो कि किससे फॉर्म हो रही है, लूजली अरेंज्ड पेरेन्काइमल सेल। ठीक है, इसके बाद यहां पे इनमें कभी कभी आपको एक रेजिन डक्ट भी देखने को मिल सकती है। रेजिन डक्ट जो होती है वह क्या होता है कि पेरेन्काइमल सेल्स ही जब ग्लैंड लाइक उसमें मॉडिफिकेशन हो जाते हैं और वह सिक्रीशन का काम करती है तो वह रेजिन डक्ट बन जाती है, वहां से सिक्रीशन स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो एक मॉडिफिकेशन होता है रेजिन डक्ट ऑफ पेरेन्काइमल सेल। ठीक है, इसके बाद आती है लेयर एंडोडर्मिस की। यह एंडोडर्मिस लेयर जो है कॉम्पैक्टली अरेंज्ड पेरेन्काइमल सेल से ही फॉर्म होती है। ठीक है, तो दिस इज एंडोडर्मिस। ठीक है, एंडोडर्मिस के बाद स्टार्ट होते हैं वेस्क्यूलर बंडल। ठीक है, वेस्क्यूलर बंडल जिसमें कि आउटर साइड पे होता है फ्लोएम और इनर साइड पे होता है जाइलम। ठीक है, पेरिसाइकल टिश्यू रहता है और फिर यहां पर रहता है तो यह जो है यह है जाइलम टिश्यू। ठीक है, सॉरी फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, सो दिस इज फ्लोएम टिश्यू और यह है पेरिसाइकल। ठीक है, तो फ्लोएम रहता है कहां पे, आउटर साइड। ठीक है, इनर साइड पे होता है जाइलम टिश्यू। ठीक है, तो इंटरनल पेरिन पिथ होती है पेरेन्काइमल सेल्स की। ठीक है, मिडिल मतलब सेंटर में पेरिसाइकल होती, सॉरी पिथ होती है किसकी, पेरेन्काइमल सेल की। तो दिस इज पिथ ऑफ स्टेम जो कि पेरेन्काइमल सेल से फॉर्म होता है और उसके बाद जो है जाइलम टिश्यू रहता है। ठीक है, ठीक है, और यह इस प्रकार से पित होती है। ठीक, तो यह है जाइलम
टिश्यू, और जाइलम में भी जो है मेटाजाइलम और डिफरेंट जो है इसमें भी डिविजन्स होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार यह अरेंजमेंट होता है एक स्टेम में। यदि स्टेम का एक पर्टिकुलर ट्रांसवर्स सेक्शन का एक पर्टिकुलर हिस्सा देखा जाए तो उसमें यह रीजंस रहते हैं, ठीक है। एंडो एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस जो कि पेरेंकाइमल सेल्स, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड पेरेंकाइमल सेल्स से बनी हुई होती हैं, हाइपोडर्मिस जो कि कॉलेनकाइमल सेल्स से बनी हुई होती हैं, कॉर्टेक्स जो कि लूजली अरेंज्ड पेरेंकाइमल सेल्स से बना होता है, एंडोडर्मिस जो कि कॉम्पैक्टली अरेंज्ड पेरेंकाइमल सेल्स से बनती है, ठीक है, पेरिसाइकल जो कि जो है डिफरेंट टिश्यूज, डिफरेंट अदर पेरेंकाइमल सेल से बनती है, देन फ्लोएम, फ्लोएम जो है वो स्क्लेरेनकाइमल सेल से, पेरेंकाइमल सेल से मिलके, क्योंकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू है तो डिफरेंट सेल से मिलके ये बनते हैं। उसी प्रकार जाइलम टिश्यू, जाइलम टिश्यू भी जो है डिफरेंट स्क्लेरेनकाइमल और पेरेंकाइमल सेल से मिलके बनते हैं, पिथ, पिथ जो कि पेरेंकाइमल सेल से मिलके बनती है, ठीक है। ठीक, तो इस प्रकार से यदि आप एक ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं किसी भी डाइकॉट स्टेम का तो आपको यह जो है रीजंस उसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू और डिफरेंट अदर टिश्यू प्लांट्स के, और नाउ वी नो दैट व्हाट आर द डिफरेंट टिश्यूज फाउंड इन द प्लांट। सिंपल टिश्यू क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू या परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं वह हमने देखा, ठीक है। तो नाउ वी हैव डन विद द ऑल प्लांट टिश्यू एंड नाउ वी विल सी द टिश्यूज इन द एनिमल, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन टू द animal. So in the next session we will study about the tissues in the animal.